एवरीवन, वेलकम टू स्किल एडॉप्शन। और आज का जो टॉपिक है, मैं आज आपको हॉरिजॉन्टल बार वर्कआउट बताने वाला हूँ। इस पर टॉप 7 एक्सरसाइजेज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर गाइज, अगर आप आउटडोर जाते हो, वहाँ पे पार्क में इस तरह के बार हैं, तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आप घर पे रहते हैं, तो घर पर आप कर रहते हुए भी आप डाइनिंग टेबल या बेंच का यूज़ करते हुए ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी की इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के साथ साथ आपकी बॉडी को टोन्ड अप करेगा और आपकी बॉडी को एक अच्छा शेप प्रोवाइड करेगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके बैलेंस और बॉडी के अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है। इसे करते वक्त आपको ये ध्यान देना होता है कि आपका हैंड आई और आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेट होता है इसमें, और इसे करते वक्त आपकी कोर की स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होती है। तो गाइज, ये ऑल ओवर आपकी पूरी बॉडी की बैलेंस को दिखाता है कि आप अपना बॉडी का बैलेंस कैसे इस बार के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ये एक ग्रेट एक्सरसाइज होती है, इसे ऑस्ट्रेलियन पुलअप भी कहते हैं। इसे करते वक्त आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बिल्ड होने के साथ साथ आपके अपर बॉडी का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, और साथ ही आपके स्कैपुला की मूवमेंट भी इंप्रूव होती है। गाइज, इसे करने से आपका पोस्चर इंप्रूव होता है और साथ ही आपकी कोर की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी रॉ की नेक्स्ट प्रोग्रेशन एक्सरसाइज होती है, और साथ ही एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज होती है। ये चैलेंज करता है आपकी पुलिंग स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को। गाइज, इसे करते वक्त आपको ये ध्यान देना होता है कि आपकी पुलिंग स्ट्रेंथ क्या है आर्चर की। इसके साथ साथ ये आपको पुलअप सीखने में हेल्प करता है, और साथ ही मोर एडवांस एलिमेंट सीखने में भी ये आपको हेल्प करता है। करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये एक प्योर बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है। साथ ही आपकी कोर की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। गाइज, इसे करने से आपकी पुलिंग स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिसके कारण आप बैक लीवर जल्दी इम्प्रूव करोगे, और उससे रिलेटेड मूवमेंट जैसे हेफिस्टो वगैरह को भी जल्द प्रोग्रेस करने में ये हेल्प करता है। बाइसेप्स कर्ल एक्सरसाइज, ये आपके बाइसेप्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करता है और एक बाइसेप्स को अच्छा शेप प्रोवाइड करता है, और साथ ही आपके बाइसेप्स की एक्चुअल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। ये एक्सरसाइज आपके एक्चुअल पुलिंग स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के साथ साथ आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। स्टेट बार डिप्स एक
पुशिंग एक्सरसाइज होती है, पुशिंग मूवमेंट होती है, इसमें इन्वॉल्व होने वाले जो मसल्स हैं वो है आपका चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। साथ ही गाइज ये एक मसलअप की होती है। अगर आप मसलअप आप कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेशन में है तब भी आपको स्ट्रेट बार डिप्स करना होता है, उसके बदौलत ही आप मसलअप सीख पाते हैं। तो सारी एक्सरसाइजेज बेसिक हॉरिजेंटल बार वर्कआउट है और मैंने आज आपको टॉप 7 एक्सरसाइजेज बताई है। तो गाइज अगर आप इस एक्सरसाइजेज को डेली रूटीन बेस पर करते हैं तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बिल्ड होने के साथ साथ आपकी बॉडी टोंड अच्छी होगी और आपकी बॉडी का शेप जल्द से जल्द इम्प्रूव होगा गाइज। और इसके साथ आप ये भी ध्यान रखें, अगर हम आउटडोर कर रहे हैं तो हमें जज ना करें कि हम आके आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप आउटडोर अपने पार्क में आसपास जाते हैं वहाँ इस तरह के बार है तो आप इन एक्सरसाइजेस को उन बार पे कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पे रहते हैं तो वहाँ पर डाइनिंग टेबल या नॉर्मली बेंच का यूज़ करते हुए सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये सारी की सारी टेक्निक, सारी की सारी वीडियोस अच्छी लगी हो, सारी एक्सरसाइजेस पसंद आई हो। तो गाइज नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, स्टे फिट और हेल्थी रहिए।